नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अपने दंगल के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों को खबरें बताते हैं, वो थोड़ी फिल्मों से और अपडेट जो खबरें होती हैं उससे थोड़ी हटकर होती है। कई बार हम इतिहास के कुछ पन्नों को खगोलते हैं, तो कई बार इंडस्ट्री के जो स्टार हैं उनके पास्ट में जाकर यानी उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनोखे राज को खोलते हैं। क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि वो कहते हैं, कहावत है कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। और अगर जो आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी स्टार को ही अगर जो आप पूरी तरीके से जानना चाहते हैं, तो उनके जीवन की शुरुआत से लेकर उनके अभी तक के सफ़र को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। खैर, जब सफ़र की बात हो ही रही है, जब पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात हो ही रही है, तो क्यों ना एक नज़र हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार यानी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की तरफ भी किया जाए। एक ऐसा स्टार जो आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टारों में एक तौर माना जाता है, और आज देखा जाए तो जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम सिर्फ भोजपुरी ही में नहीं बल्कि बॉलीवुड तक जा पहुंचा है, क्योंकि उनका नाम ही अनोखा है। जी हाँ, वैसे देख कई से स्टार होते हैं जिनका नाम भोजपुरी जिनका नाम इंडस्ट्री के साथ जुड़ता है लेकिन इंडस्ट्री को मिलता है, तो कई लेकिन निरहुआ के साथ उल्टा ही हुआ है। दरअसल में निरहुआ का जो नाम है था वो दिनेश लाल यादव था, लेकिन बाद में उनको इंडस्ट्री के तरफ से या यूं कह लीजिए फैंस की तरफ से उन्हें एक अलग ही नाम मिला, उनको अलग ही नाम से दर्शक उन्हें जानने लगे, और वो नाम था निरहुआ। और निरहुआ के साथ भाई उनकी फिल्मों के नाम में भी अब निरहुआ जुड़ने लगा है, और इस चीज का उदाहरण मैं आपको रिपोर्ट में जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के निरहुआ का से लेकर शुरुआत से लेकर अभी तक के दौर में कि आखिरकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की जो जिंदगी है उसकी सफर शुरुआती से लेकर अब तक इंडस्ट्री के अलावा इंडस्ट्री के बाहर कैसी रही है। तो चलिए बिना देर किए आप लोगों को बिना इंतजार करवाए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। कहते हैं देने वाला जब भी देता है दिल खोल कर देता है। जी हाँ, और सब्र करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ कहानी, ऐसा ही कुछ सफर भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर में भी है। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ वो जो कि आज की भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार के तौर पर गिने जाते हैं। एक दौर वो भी था जब कभी साइकिल तक नहीं थी उनके घर में, और आज वो एक फिल्म के लिए करीबन 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं। निरहुआ की दो फिल्में निरहुआ चलल ससुराल 3 और निरहुआ चलल अमेरिका का मुहूर्त हाल ही में किया गया है, और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की लाइफ काफी स्ट्रगल भरी रही। वैसे कभी उनके घर में एक साइकिल तक नहीं थी, और अब भोजपुरी स्टार बन जाने के बाद वे एक फिल्म के 40 से 50 लाख रुपए बतौर फीस लेते हैं, और आज निरहुआ की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि उनके नाम से ही फिल्मों के नाम तय किए जाते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक ऐसे एक्टर है जिनके नाम से भोजपुरी में कई फिल्में बनी है, और उनका अब सीक्वल भी बनने वाला है। जी हाँ, जैसे कि निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ सटल रहे, निरहुआ चलल ससुराल और निरहुआ चलल अमेरिका के अलावा निरहुआ चलल लंदन भी बन चुका है। इसके अलावा निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 2 और निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 3 भी बनकर तैयार है। वहीं आगे बात करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ गाजीपुर के रहने वाले हैं। जी हाँ, गाजीपुर टंडवा गाँव के वो रहने वाले हैं। जब वे छोटे थे तब उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पिता की मासिक आमदनी सिर्फ 3500 रुपए होती थी, और इसी में 7 लोगों का परिवार चलता था। घर चलाने के लिए वे पैसे चाहिए थे, इसीलिए उनके पिता अपने दोनों बेटों को लेकर कलकत्ता चले गए। इस दौरान उन्होंने पत्नी और 3 बेटियों को घर में ही छोड़ दिया था। कलकत्ता में निरहुआ ने काफी संघर्ष किया। वे एक झोपड़ी में रहते हुए पिता और भाई के साथ रहे। इस दौरान उनके पिता मजदूरी करते थे। वहीं कलकत्ता में दिनेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई 1997 में की, और वे वापस अपने गांव लौट आए। इसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ गाजीपुर के मलिकपुर कॉलेज में
बीकॉम की पढ़ाई करने लगे। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ की तो कुछ और ही पसंद थी। जी हाँ दोस्तों, दिनेश अपने चचेरे भाई बिरहा गायक विजय लाल यादव से काफी प्रोत्साहित थे और उन्हीं के तर्ज पर सिंगिंग की वो उनके सिंगिंग के लिए वो उनके कदम उनके राहे कदमों पर चलते रहे। इसके बाद दिनेश के छोटे भाई परवेश लाल यादव एक इंटरव्यू में बताएं कि भैया ने बहुत स्ट्रगल किया है, घर में साइकिल नहीं थी, कहीं जाने आने के लिए पैदल ही सफर तय करना पड़ता। साल 2003 में दिनेश लाल यादव का निरहुआ म्यूजिक एल्बम निरहुआ सटल रहे बम्पर हिट हुआ, इसी से वो स्टार बन गए। इससे पहले 2001 में उनके दो म्यूजिकल एल्बम बुढ़वा में दम्बा और मलाई खाई बुढ़वा रिलीज हुआ था। इसकी बदौलत उन्हें पहचान मिली, धीरे धीरे वे भोजपुरी फिल्म के स्टार बने। इसके बाद उन्हें फिल्मों में मौका मिला। दिनेश के भाई परवेज भी भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। साल 2005 में दिनेश मुंबई चले गए। एक फिल्म डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने फिल्म चलल मुसाफिर में दो गाने गाए और फिर इत्तेफाक हुआ कि वो उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की। इस फिल्म में उन्होंने छैला बिहारी के दोस्त का किरदार निभाया और फिल्म हिट रही। इसके बाद ही उनके पास सपोर्टिंग एक्टर के रोल ऑफर होने लगे, लेकिन उनके मन में हीरो बनने की चाह थी। इसी चाह और उनकी ईमानदारी से ही कई की गई मेहनत ने आज निरहुआ को भोजपुरी इंडस्ट्री का जुबली स्टार बना दिया है और साथ ही आज वो भोजपुरी के वो सितारे बन गए हैं जिनके साथ भोजपुरी इंडस्ट्री कदम से कदम मिलाकर चलती है। और आज भी अगर जो निरहुआ की कोई फिल्म आती है तो वैसे तो निरहुआ उस फिल्म का प्रमोशन करते ही है, लेकिन निरहुआ की फिल्म रिलीज होने से पहले, बॉक्स ऑफिस बनने से पहले, उसका मुहूर्त होने से पहले, होने के से शुरुआत और उनके बनने तक, उनसे रिलीज होने से पहले पहले उस फिल्म से जुड़ी सारी जानकारियां हमारे फैंस के बीच पहुंच जाती है। और वो जैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म रिलीज होती है, सबसे पहले उनके फैंस का जमावड़ा सिनेमाघरों में उमड़ता है। भले ही आज भोजपुरी इंडस्ट्री को वो स्पेस ना दिया जा रहा हो, भले ही आज भोजपुरी सिनेमा को वो जगह ना मिल रही हो जिसकी वो हकदार है, जिसका वो जो वो चाहते हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जैसे कई ऐसे स्टार हैं और खुद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करने में लगे हुए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग ही राह पर लिया जाए। और इस कोशिश में वो अभी भी अपनी इस मेहनत को और लगन को जारी रख रखा है उन्होंने, जो आज से कई सालों पुराना रखा था। जी हाँ, आज भी उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो भोजपुरी के इतने बड़े स्टार बन गए। आज भी जब वो कैमरे के आगे आते हैं तो खुद को उतना ही छोटा और उतना ही नया समझते हैं जो आज से कुछ सालों पहले वो समझते थे। लेकिन देखा जाए तो स्टार के तौर पर एक परफेक्ट स्टार का खिताब निरहुआ को मिल चुका है, वो भी उनके फैंस की तरफ से। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बहुत ही मध्य परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन आज उनका पहचान किसी को वाकिफ कराने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई उनकी सच्चाई से, हर कोई उनके उनके विचार से रूबरू है। और इसी वजह से शायद आज जो इतने ज़्यादा विवाद होने के बावजूद, जी हाँ मैं निरहुआ का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने निरहुआ का सपोर्ट किया है, लेकिन शुरुआत में अगर जो निरहुआ की बात करें तो उनके जीवन के बारे में शायद ही वो जानते होंगे। लेकिन मैं आपके सामने जो निरहुआ के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि इतने विवादों के विवाद होने के बावजूद हर कोई निरहुआ के साथ खड़ा है, चाहे हम भोजपुरी स्टार की बात कर लें, भोजपुरी एक्ट्रेस की बात कर लें, चाहे हम बॉलीवुड स्टार की बात कर लें, या हम किसी अदर पर्सन की बात कर लें, पीआरओ के, हर कोई निरहुआ के साथ खड़ा है। और ये दर्शाता है कि वाकई में निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार में किस लेवल पे गिने जाते हैं और उनकी जगह लोगों के दिलों में कैसी है। जी हाँ, उनकी जगह दिलों में इतनी है कि लोग उनके लिए सड़कों पर उतर गए, उनके नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। और शायद यही फैंस की दीवानगी होती है जो हर किसी के सर चढ़कर बोलती है। फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। आज हमारे लिए देखा जाए तो निरहुआ के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम हो गया, उन लोगों के लिए जो निरहुआ के बारे में अब तक नहीं जानते थे।
फिलहाल आज के खास प्रोग्राम पे यहीं लगाते हैं विराम, आप सभी लोगों से लेते हैं इजाजत, लेकिन कल आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। और हर बार की तरह कहना चाहूंगी कि अगर जो आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे और ऐसे ही अनोखी और अलग अलग खबरें आप सभी तक पहुंचती रहे। और साथ में हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम पर यहीं विराम लगाते हुए आप सभी लोगों से लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।